सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन सहायता को और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए हर रोज लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, UIDAI ने एक नई आधार सर्विस स्टार्ट की है जिसका नाम है वर्चुअल आईडी। इस सर्विस के द्वारा आप अपने आधार कार्ड को और भी ज्यादा सुरक्षित रख पाओगे और आपके आधार कार्ड की डिटेल्स का गलत इस्तेमाल होने से बचा सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने आधार कार्ड के लिए एक वर्चुअल आईडी कैसे बना सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप ये जानना चाहते हैं कि वर्चुअल आईडी क्या होती है और ये कैसे काम करती है, तो उसके लिए मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दूंगा। उस वेबसाइट के ऊपर जाके आप वर्चुअल आईडी के बारे में सब कुछ जान सकते हो, वो भी हिंदी में। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट लिंक पे क्लिक करके आप उस वेबसाइट पे जा सकते हो। अब देखिए, आधार कार्ड के लिए वर्चुअल आईडी कैसे बनाते हैं, कैसे जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल में टाइप कीजिए UIDAI, ओके। उसके बाद ये UIDAI की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इसे ओपन कर लेना है, या फिर आप अपने ब्राउजर में ऊपर टाइप कीजिए www.uidai.gov.in, ओके। उसके बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इस वेबसाइट के अंदर देखिए, आधार ऑनलाइन सर्विसेज के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आधार सर्विसेज। इसके अंदर आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा वर्चुअल आईडी जनरेटर, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो वर्चुअल आईडी होती है वो 16 डिजिट की होती है और जो हमारा आधार नंबर होता है वो होता है 12 डिजिट का, ओके। तो देखिए, अब वर्चुअल आईडी जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा। आधार नंबर डाल देने के बाद ये जो सिक्योरिटी कोड है ये आपको यहाँ पे डालने होंगे। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में ऐड है उस मोबाइल नंबर पे SMS के द्वारा एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना होगा। ये जो इंटर ओटीपी ऑप्शन है यहाँ पे आपको वो ओटीपी डालना होगा। और यहाँ पे देखिए, आपको एक बात का ध्यान रखना है, आप अपने आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी तभी जनरेट कर सकते हो जब आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा। यदि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं होगा तो आप अपने आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी जनरेट नहीं कर पाओगे, ओके। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, पहले मैं अपने आधार नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, मैंने अपने आधार नंबर डाल दिए हैं, सिक्योरिटी कोड डाल दिया है और मेरे मोबाइल नंबर पे जो OTP कोड आया था वो कोड भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, जनरेट VID और रिट्रीव VID। तो यदि आप पहली बार वर्चुअल आईडी जनरेट कर रहे हो तो आपको जनरेट VID पे क्लिक कर देना है, और यदि आपने पहले से ही वर्चुअल आईडी जनरेट कर रखी है और आप पता करना चाहते हैं कि आपकी वर्चुअल आईडी क्या है तो आपको रिट्रीव VID पे क्लिक कर देना है, ओके। रिट्रीव VID कैसे काम करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ओके। तो पहले हम अपनी वर्चुअल आईडी जनरेट करेंगे, तो हम यहाँ पे जनरेट VID पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा, कंग्रेचुलेशंस योर VID नंबर सक्सेसफुली जनरेटेड एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो अब जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर है, आपके आधार कार्ड में एड है, उस मोबाइल नंबर पे SMS के द्वारा आपके जो वर्चुअल आईडी है वो भेज दी जाएगी। तो देखिए, मेरे पास जो मैसेज आया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये मेरे पास मैसेज आया है जिसके अंदर सबसे पहले मेरा नाम है, उसके बाद मेरी जो 16 डिजिट की वर्चुअल आईडी है वो यहाँ पे बताई गई है, उसके बाद मेरा जो आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पे बताए गए हैं, और जिस डेट को मैंने वर्चुअल आईडी जनरेट की है वो डेट यहाँ पे बताई गई है और वो टाइम यहाँ पे बताया गया है, ओके। तो वर्चुअल आईडी जनरेट करने के बाद आप इस वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल अपने आधार नंबर की जगह पे कर सकते हो, यानी कि जहाँ पे आप अपने आधार नंबर इस्तेमाल करते हो वहाँ पे आप इस वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो। यदि आप वर्चुअल आईडी के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, जैसे कि आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो और इसको इस्तेमाल करने से क्या फायदे होते हैं, तो उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया है, उस वेबसाइट पे जाके आप इसके बारे में और ज्यादा जान सकते हैं, ओके। अब देखिए, जो सेकंड ऑप्शन था रिट्रीव VID, उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो, तो हम यहाँ पे VID अदर आधार पे क्लिक करेंगे और दोबारा से मैं अपने आधार नंबर और ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके। अब देखिए, मैंने आधार नंबर डाल दिया है, सिक्योरिटी कोड डाल दिया है और OTP भी यहाँ पे डाल दिया है। अब देखिए, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है रिट्रीव VID। तो मान लीजिए आपने पहले ही अपनी वर्चुअल आईडी जनरेट कर रखी है, जैसे कि मैंने इससे पहले मेरी जो वर्चुअल आईडी है वो जनरेट कर ली थी और मैं अपनी वर्चुअल आईडी भूल गया हूँ, तो अब मैं उसे दोबारा से कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, तो आपको यहाँ पे रिट्रीव VID पे क्लिक कर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे दोबारा से आपकी जो वर्चुअल आईडी है जो कि आपने पहले जनरेट की थी वो दोबारा से सेंड कर दी जाएगी। नई वर्चुअल आईडी बनाने के लिए आपको जनरेट VID पे क्लिक करना है और पुरानी वर्चुअल आईडी को दोबारा से प्राप्त करने के लिए आपको रिट्रीव VID पे क्लिक कर देना है, ओके। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो देखिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैंने सबमिट पे क्लिक किया, तब दोबारा से मेरे मोबाइल नंबर पे वर्चुअल आईडी सेंड कर दी गई है। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा मोबाइल फोन है, इस पे देखिए ये दोनों मैसेज सेम है। तो पहले जो मेरी वर्चुअल आईडी थी
वही सेम वर्चुअल आईडी दोबारा से मैसेज के द्वारा यहाँ पे भेज दी गई है। ओके, तो इस तरह से आप अपने आधार कार्ड की वर्चुअल आईडी बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो। और यदि आप वर्चुअल आईडी के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे मैंने एक वेबसाइट का लिंक दिया है, उस वेबसाइट पे जाके आप वर्चुअल आईडी के बारे में और ज्यादा जान सकते हो, वो भी हिंदी में। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।